नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 26 सितंबर 2021 क्या कहते हैं आपके सितारे। सबसे पहले जानेंगे आज सुबह का संक्षिप्त पंचांग और शुभ अशुभ समय की जानकारी। आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है तो ढेरों शुभकामनाएं। तो सूर्योदय होगा 6:10 पर, सूर्यास्त होगा 6:12 पर, तिथि है पंचमी, योग है ध्रुव, वार होगा रविवार, चंद्र राशि वृषभ, अभिजीत मुहूर्त 11:47 से लेकर 12:22 दोपहर तक, और राहु काल है 4:41 पीएम से लेकर 6:12 पीएम तक। तो ये था सुबह का संक्षिप्त पंचांग। अब हम बात करेंगे आपकी राशि की, तो आपकी राशि को क्या मिलने वाला है वो भी हम बताएंगे और उपाय भी बताएंगे दिन को बेहतर करने के। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए ताकि जानकारियां वक्त पर मिले और आपके बिगड़े काम बन जाए। मेष राशि, कड़ी मेहनत करने का दिन है। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हिम्मत से आप मुश्किल काम कर तो लेंगे लेकिन सफलता की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपके छोटे भाई बहन से रिश्ते अच्छे रहेंगे, आप उनकी सहायता करेंगे, वो आपका सपोर्ट करेंगे। आपके बच्चे आपको शुभ समाचार देंगे। प्रेम करने वाले प्रेमी प्रेमिका के मन में खुशियों के लड्डू फूटेंगे। यह समय व्यापार में निवेश करने के लिए शुभ नहीं है, तो धन निवेश करने से पहले या किसी को देने से पहले पुनः विचार करें। गणेश जी की उपासना करने से दिन शुभ होगा। वृषभ राशि, आज कड़ी मेहनत करने का दिन है। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए फिर से बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। भाई बहन की तरफ से आपको तकलीफ हो सकती है, पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ी तकरार है। शेयर मार्केट सट्टे में निवेश करेंगे तो घाटा हो सकता है। वैसे तो संडे का दिन है, मार्केट बंद है, फिर भी कई लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों में पैसा लगाते हैं, तो उन सब चीज़ों में पैसा ना लगाएं जहाँ पर हानि की संभावनाएं ज़्यादा हो। जोखिम उठाने का प्रयास न करें, विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, रिस्क लेने से बचिएगा। पुराने मित्रों से संपर्क और विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। घरेलू महिलाओं को भी आज बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, कमर में दर्द हो सकता है, थकान वगैरह हो सकती है। अच्छी भाषा का प्रयोग करें, फालतू की गपशप ना मारें, और जब भी गाड़ी वगैरह चलाएं तो गड्ढों का ध्यान रखिएगा, कोई झटका वटका लगने की वजह से छोटा मोटा एक्सीडेंट या शरीर में दर्द की समस्या हो सकती है। तो वृषभ राशि वालों को आज भगवान भैरव की उपासना से लाभ होगा। मिथुन राशि की बात करें, आज अच्छा दिन है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, व्यापारियों के लिए अच्छा है, काम करने वालों के लिए अच्छा है। खूब प्यार मोहब्बत भी कमाएंगे और धन भी कमाएंगे। आप जो नौकरी करते हैं, आपके अधिकारियों से आपकी बातचीत हो सकती है, कुछ चैटिंग वगैरह हो सकती है, हेलो हाय होने की कोशिश हो सकता है। आप लोग अपनी बातें शेयर कर पाएंगे अपने बॉस के साथ, यानी बॉस से छुट्टी होने के बावजूद भी आपकी नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं किसी कन्वर्सेशन को लेकर या किसी मीटिंग को लेकर या किसी विषय को लेकर। अगर मिथुन राशि वाले अविवाहित हैं तो आपको रिश्ता मिलने का संकेत मिलेगा, पड़ोस पड़ोस से अच्छे रिश्ते होंगे, विवाह के प्रस्ताव नज़दीक से ही आ सकते हैं, आपके संबंध मधुर रहेंगे और रिश्ते का मर्यादा का ख्याल रखते हुए आप परिवार वालों का ध्यान रखिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, भगवान विष्णु की उपासना से लाभ होगा। कर्क राशि, आपको आज लोग नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, आपके आत्मविश्वास में कमी लाने की लोग कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपका खर्चा बढ़ सकता है, दिमाग व्यर्थ में दर्द हो सकता है, आर्थिक नुकसान होने की संभावना है, जीवन साथी से तूतू मैमे हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं चलेगी, घर पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, व्यापार में लंबी यात्रा ना कर पाने की वजह से कोई घाटा भी हो सकता है, या आपकी यात्रा ही निराशाजनक साबित हो सकती है। तो बहुत संभल कर रहना है कर्क राशि वालों को, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। बात करेंगे सिंह राशि की, आज आप धन कमाने में सफल रहेंगे, आपके चित परिचित सपने और इच्छाएं पूरी होने का दिन है। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं डेट वगैरह पर जा सकते हैं, अपने भाई को भाई और बहनों के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा, फिक्स डिपॉजिट वगैरह के बारे में सोच सकते हैं और आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति शीघ्र ही मिलने वाली है। बात करेंगे कन्या राशि की, आपको आपके अधिकारियों का सम्मान करना होगा, अगर सहयोग मिलेगा, छुट्टी वाला दिन है फिर भी आपको उनसे हेलो हाय करते लेनी चाहिए, चाहे मैसेज भेज के करें या फ़ोन करके करें। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था बॉस से तो उसके लिए भी सॉरी बोला जा सकता है। व्यवसाय को आगे बढ़ाने की योजनाएं सफल रहेंगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतर नहीं है, आपका जीवन साथी प्रसन्न संतुष्ट आपसे होगा, लेकिन बीच बीच में काम की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई हो सकती है, आपके बच्चे आपके व्यवहार से प्रसन्न नहीं रहेंगे, माँ बाप बढ़ते झगड़ों से प्रसन्न नहीं रहेंगे, आपके अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर और उनके मेंटल टेंशन पर ध्यान देना चाहिए कि आप दो लोगों की लड़ाई में बेचारा बच्चा तो नहीं पिस रहा है, आपको
आमदनी के नए रास्ते जरूर मिल जाएंगे। और आज के दिन आप गणेश जी की पूजा करें ताकि आपकी बुद्धि निर्मल हो सके। बात करेंगे तुला राशि की। आपके लिए सफलता प्राप्ति का दिन है। आपकी संतान उन्नतिशील होगी। विद्यार्थी पूरी एकाग्रता से आत्मविश्वास से अपना अध्ययन करेंगे और पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। आपको जीवन साथी की तरफ से मधुर संबंध मिलेंगे, मधुर प्रेम मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका का साथ मिलेगा। और समय जो है इसमें आप सट्टेबाजी में या शेयर मार्केट में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वैसे तो संडे वाला दिन है लेकिन इसकी प्लानिंग हो तो हो ही सकती है कि जब मार्केट खुलेगी तब क्या लेना है, क्या बेचना है। तो कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में आपको सफलता यहाँ पे मिलेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपको हमेशा खुश मिजाज देखा जाएगा, यानी चिंताएं धीमे धीमे समाप्त हो जाएंगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपको बहुत दिनों से रुके हुए धन का जो इंतजार था वो मिलने की संभावनाएं बनेगी। सट्टेबाजी में लाभ होगा। अपने मन में प्रसन्नता के फूल खिलेंगे। जो निवेश आप करना चाहते थे वो कर पाएंगे। विशेष अच्छा दिन है। श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे आपको, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे जिससे दिल खुश हो जाएगा और आप जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे। और गाड़ी चलाते समय सावधानी के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपकी वजह से कोई दूसरा परेशान ना हो, दूसरा आपकी वजह से परेशान ना हो। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए वृश्चिक राशि वाले अपने गर्म दिमाग को शांत रखते हुए बिल्कुल शांति से आगे बढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के बच्चे उनका बहुत सपोर्ट करेंगे। आप अपने बच्चों की हेल्प लेकर काफी अच्छे निर्णय ले पाएंगे और माँ दुर्गा की उपासना से आपको बहुत लाभ मिलेगा। बात करते हैं धनु राशि की। आप अपने परिवार के साथ थोड़ा घूमने फिरने में व्यस्त रहेंगे। अविवाहित लोगों को विवाह के रिश्ते मिलेंगे। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में खोए रहेंगे। जीवन साथी से भी रिश्ते बढ़िया होंगे। जीवन साथी आपसे कोई उपहार मांग सकता है या आप खुद ला कर दे दें। मूत्र संबंधी रोग होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर आपका दिल जो है वो बहुत खुशियां पाएगा और आपका दिन भी बहुत बढ़िया रहेगा। सुख शांति प्रगति आपको मिलेगी धनु राशि वालों को, तो दिन कहीं ना कहीं अच्छा कहा जाएगा। बात करेंगे मकर राशि की। संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। शेयर मार्केट सट्टे में लाभ होगा। आप विद्यार्थी हैं तो आप अध्ययन में मस्त और व्यस्त रहेंगे। आप प्रेमी प्रेमिका से मिलने वाले होंगे। व्यापारी वर्ग का व्यापार बढ़ेगा। जीवन साथी से संबंध उत्तम रहेंगे। बात करेंगे कुंभ राशि की। आज का दिन प्रसन्नता भरा रहेगा। बच्चों से शुभ समाचार प्राप्त होगा। चारों तरफ से सफलता प्राप्त होगी। कोई नया प्रेम समूह स्थापित होने की संभावना है। आप अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से बुद्धिमत्ता से निष्ठापूर्वक करेंगे। आज के दिन आप खट्टे मीठे अनुभवों को पाएंगे। शेयर मार्केट सट्टे और जुए आदि में निवेश कर सकते हैं क्योंकि आज का दिन सौभाग्यकारी है। विद्यार्थी एकाग्रता खोकर अपने अध्ययन से दूर रहेंगे। व्यापारी लोग नए उद्योग में ऊर्जा लगाएंगे। नौकरी करने वालों के लिए भी आज तरक्की का दिन होगा। आप माँ भगवती की आराधना से दिन का शुभारंभ करें तो बहुत बेहतर होगा। बात करेंगे मीन राशि की। आज आपका दिन आपके लिए प्रसन्नता और खुशियां लेकर आ रहा है। आपके घर में सभी के साथ आपका तालमेल बढ़िया रहेगा। आपको किसी गुप्त रोग होने की संभावना बनी हुई है। कमर के निचले हिस्से में कोई रोग हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। यदि आप घर पर कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या कुछ घर में तोड़फोड़ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए रुकिएगा, तो हो सकता है आपको नवरात्रों के समय भी काम कराना शुभ रहेगा। तो अगर आप कोई घर या प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो भी मीन राशि वाले रुके, शुभ समय में खरीदिएगा, बल्कि देखना दिखाना एक अलग बात है। तो बेटों से आपके जो बेटे हैं उनसे आप अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं। आपके बेटे बहुत आपको सफलता की खबरें सुनाएंगे। आपके जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी अपनी एकाग्रता में खोए रहेंगे। आप सभी लोग खुश रहने वाले हैं। आपके लिए ये लाभ का समय है, खुशियों का दिन है, बढ़िया दिन है, तो उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करिएगा। तो ये था आपकी 12 राशियों का राशिफल। और जिन राशियों में मैंने नहीं बताया कि उनको किस भगवान की पूजा करनी चाहिए तो वो राशि वाले सुने। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उसके बाद जीवन में आपको सभी रास्ते मिलते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। हरिओम, नमस्कार।